2 मिनट लगे रहा करो, इतना जल्दी क्या होती है? मैंने सिद्धू जी को कहा था कि कपिल बहुत फ्लर्ट करता है, मेरी सेफ्टी के लिए मेरे साथ चलें। ये जो हीरोइंस आती रहती है आपके शो पे, आप उनके पीछे क्यों पड़ते हैं ऐसे? नहीं, ऐसी बात नहीं, हम लोगों ने तकरीबन 140 एपिसोड किए, बीच में फराह खान को मैंने कुछ नहीं कहा। रानी, मैं थोड़ा पास आके बात कर सकता हूँ? कितने पास? पास आ जाओ। अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा तो मुझे किसी कोच ने नहीं सिखाया। वो सब अच्छे घर के होंगे ना। चलो सर। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले। How are you? Very good. I will say. Don't know you are too good. महाराज, महाराज, दुश्मनों ने हमला कर दिया है। हमले तो होते रहते, 2 मिनट बात तो सुने रहो। अरे दुश्मन ने हमला कर दिया। एक काम करो, आप यहाँ छुप जाओ, मैं आपको अंदर लेकर छुप जाऊंगा। थोड़ी देर पहले एक और लड़की आई थी। अच्छा। मैं स्टार्टर को देख के खुश हो रहा था, मेन कोर्स तब आया। साल में 1 फिल्म से ज्यादा कंगना करना नहीं चाहती, ज्यादा इसलिए कर रही है She wants to meet me, यार। माँ, मैंने तुम्हारे लिए बहू ढूंढ ली है। कौन बेटा? कौन है ये? ये देखो माँ, लेकिन डार्लिंग, शादी के बाद तुम्हें कम से कम मम्मी जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, नहीं तो अच्छा लगेगा। माँ स्कर्ट में घूम रही है और बहू डबल बेड की चादर लपेट के घूम रही है। क्योंकि मैं आज आपके लिए राजा बना हूँ, तो आपको थोड़ी देर के लिए मेरी रानी बनना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे समझ लो राजा का दिमाग खराब, पागल राजा की रानी बनी हुई हो। तमन्ना है कि जिंदगी कटती रहे यूं ही, तमन्ना है कि जिंदगी कटती रहे यूं ही। एक तरफ माधुरी, एक तरफ जूही, एक तरफ माधुरी। मैं एक नई चीज ट्राई करना चाहता हूँ, ये इट्स अ वाईफाई किस। कोई माने या न माने, मैं हूँ आशिक आवारा, मैं सौदाई दीवाना, मुझको चाहत में मारा। वैसे अगर चाहे तो जल्दी जल्दी हमारी शादी हो सकती है। तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? मेरे को वीजा मिल जाएगा, आपकी बहनों को जीजा मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या हो गया मेरे चाचा जी को? आप कौन? जी मैं एक्चुअली इनकी भतीजी हूँ, परसों ही लौटी हूँ। इनको बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, इनको 5-6 साल इधर रखना पड़ेगा। हाँ? अभी तो तुम कह रहे थे कि 15 मिनट के बाद मैं घर जा सकता हूँ। हाँ तो लेकिन आपकी रिपोर्ट तो अभी आई ना, इतनी खूबसूरत रिपोर्ट आएगी, हमें क्या पता था? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तेरे को शाम को मेरे साथ कॉफी पे जाना पड़ेगा। दैट वाज नॉट गाना, दैट वाज माय ऑफर। आप इतने बड़े लेवल पे अभी आए हो। अच्छा, आप सब लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो क्यों? हम जहाँ पे रहते हैं ना, तो वहाँ पे पानी और शर्म 9 से 12 ही आते हैं, तो मैं 12 के बाद जब आता हूँ तो मेरी शर्म जो है वो हट जाती है। प्रियंका, एक बात बताओ, आपके फोटो एल्बम आ गए, म्यूजिक एल्बम आ गए, शादी का एल्बम कब देखने को मिलेगा? मतलब कि मेरी वेट कर रही हैं आप? हमारा तो इंतजार है कपिल, अभी तक तुम समझे नहीं। 3 बार आ चुकी हूँ, हिंदी नहीं लेता। Something is there actually. Little little something. बहाने ढूंढती है। Very little but it's there. क्या लेंगी आप? साड़ी? आपको साड़ी क्यों लेनी है? आप इन कपड़ों में ज्यादा अच्छी लग रही हैं आप। मेरी मम्मी कहती है कि इन कपड़ों में मैं बहुत बढ़के लगती हूँ। मम्मी पापा की बातों पे जरा ध्यान नहीं देना चाहिए, वो तो प्यार से देखते ना, हमारी नजर तो देखो बहुत अच्छी लग रही है। तू बहुत बोल रहा है अभी, भूल मत, तेरी एक ही फिल्म रिलीज हुई है अब तक। अरे एक ही फिल्म से तो बात होती है, एक ही फिल्म हिट हो जाए आदमी सीधा टीवी से फिल्म अवार्ड्स में आ जाता है। ओह माय गॉड, एक ही फिल्म जो है हिस्ट्री क्रिएट कर देती है। याद करिए, फिल्म शोले एक आदमी ने ही बनाई थी। रमेश सिप्पी साहब, आपको सैल्यूट है सर। अब आप बताइए, आप बड़ा कह रहे हैं कि विमेन्स जो हैं सबसे आगे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। सारे किरदार हिट थे उस फिल्म के, मर्दों के किरदार, और सारे मर्द किरदारों पे एक बसंती भारी थी। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन अमर, अकबर, एंथनी तीनों हीरो की वजह से फिल्म हिट हुई है। फिल्म हिट हुई थी उनकी मां नीरूपा रॉय की वजह से, अगर वो बच्चों को खोती नहीं तो स्टोरी बनती ही नहीं। अच्छा, उन्होंने बच्चे खोए, तो अगर बाप ना होता तो बच्चे कैसे होए? पहले पिताजी के वजह से बच्चे हुए, फिर बच्चे खोए, फिर फिल्म बनी। देखिए ऐसे नहीं होता। आप देखिए जितनी भी फिल्में बनती हैं, बाप बेटे बनती हैं, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। कभी माँ पे फिल्म बनी कि माँ नंबरी बेटी 10 नंबरी? अरे क्यों, चाची 420 भूल गए? तो वो भी आदमी चाची बना था ना। अरे आदमी औरत बना, इसलिए तो फिल्म हिट हुई। और तेरी फिल्म भी क्यों हिट हुई है? 4-4 हीरोइने थी उसमें, इसलिए हिट हुई है। चलिए आज का झगड़ा इसी खराब जोक पे खत्म करते हैं। मुझे क्यों नहीं आप अपनी फिल्म में चांस देती यार, कमाल है। मैं सीरियसली फराह मैम एक मौका दे रहा हूँ, आप मुझे चाहे तो साइन कर सकती हैं। आज स्पेशल डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट? जी। अरे डिस्काउंट पे तो मैं हमेशा साइन कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मेरी फिल्म में आने के लिए तुम्हें डांस करना होगा। डांस? डांस तो दिखाना होगा। कपिल ये तो मैं देख के ही रहूंगी। आज हो जाए, शिल्पा भी है, कपिल, यही मौका है। एक सीढ़ी लेके आ जल्दी और इनके साथ डांस कर। What kind of dance you want to do me? I definitely don't want to do you. Indian, Arabic, Latin, French, Indian continental, Chinese continental, what kind of? अच्छा डांस कर सकता है। अच्छा, इतनी सारी ऑप्शन थी, उनमें से पाजी लाइफ में पावर का होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, आदमी पावर में हो सरकार चला लेता है। हाँ। नहीं तो आप सब्जी का ठेला नहीं चला सकते। हाँ। उसके लिए भी आपको म्युनिसिपैलिटी की परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ। और अगर परमिशन नहीं है, हाँ, तो फिर सामान लेके दौड़ने की पावर होनी चाहिए। और उसमें भी पहले नंबर पे आना चाहिए। आप देखो जो ठेला वगैरह लगाते बेचारे, दुकान से जाने में 1 घंटा लगाते हैं, जैसे म्युनिसिपैलिटी गाड़ी थी चारों कोनों से 1 सेकंड में आगे निकलते हैं, क्योंकि अगर नहीं निकले तो फिर वो पीछे से पकड़ते, 1 मुट्ठी बाल के साथ सामान जब्त करते हैं आपका। अब देखो वोटर में कितनी पावर है। हाँ। 1 उंगली से वो किसी भी नेता का भविष्य तय करता है। बिल्कुल। उसके बाद नेता दूसरी उंगली दिखाता है फिर उनको। अच्छा पाजी, प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई पावरफुल नहीं होता देश में। नहीं। एक बंदा होता है, कौन? जीजा, अपने ससुराल में। वो कोई सा भी बिल पेश करे वो पास होना ही है, क्योंकि ससुर को भी पता है कि अगर इस कमबख्त को दूध नहीं पिलाया ये हमारी बेटी को खीर नहीं देगा। अच्छा, प्रधानमंत्री तो फिर भी 5 साल बाद उतर जाते हैं, इसकी तरक्की होती रहती है। जीजा से फूफा बन जाता है, फूफा से तो फिर मामा ही बन जाता है ना। इसी तरह हमारे यहाँ पे जो उम्र में सबसे बड़ा होता है ना, उनको बड़ी इज्जत दी जाती है। लेकिन कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं अपनी उम्र की पावर का ना नाजायज फायदा उठाते हैं। कैसे? गैस खुद के पेट में होती है, सब्सिडी सबके बीच में छोड़ जाते हैं। हर चीज में पावर की एक लिमिट होती है। अब स्कूटर है 2 सीटर है, लेकिन हम लोग उसे 8 सीटर बना देते हैं। अपनी कैपेसिटी स्कूटर खुद नहीं डिसाइड करता है, फैमिली डिसाइड करती है। जिनके 4 हैं वो 4 बैठेंगे, जिनके 8 हैं 8 बैठेंगे। हाँ। कभी आप देखना जो लड़की अकेली स्कूटर चलाती ना, हाँ, जो अकेली लड़की स्कूटर चलाती है उसका स्कूटर बड़ा खुश होता है, उसकी आवाज भी ऐसे आती है ना, स्कूटर बड़ा खुशी खुशी जाता है ऐसे, लड़की ने कान पकड़े होते, स्कूटर एंजॉय करता जाता है। दूसरी तरफ हम जैसे लोग, बाप ने तो कान पकड़े होते हैं, बीच में से एक 8 साल का बच्चा यूं घुस के उसकी गर्दन पकड़ लेता है, गर्दन पकड़ दो, वही स्कूटर का मुंह टेढ़ा हो जाता है, उसका मुंह, उसको पता मेरा बेड़ा गर्क होने वाला है। अच्छा, उसके बाद 80 किलो का बाप ऊपर बैठा हुआ है, फिर 16-16 किलो के 2 बच्चे लाके 90 किलो की बीवी पीछे बैठती है, उसके बाद स्कूटर की जान निकली होती बाजी। आवाज फिर जब लेके जाता ना, फिर रास्ते में तंग करता वो, फिर जैसे ही फैमिली सारी निकलती ना लेके, स्कूटर चला, मत कर मत कर मत कर, तो जब जाता है। अच्छा, फिर स्कूटर अपना बदला तब लेता है जब रेड लाइट आती ना, फिर वहां पे खड़े हो गए। हाँ। फिर जैसे ग्रीन लाइट हुई ना, ऐसे क्लच, तो स्कूटर वही बंद करना मना करता है वो। फिर पहले बच्चा उतरा, फिर बाप उतरा, फिर बीवी अपने 2 बच्चों को लेके उतरी। उसके बाद स्कूटर को टेढ़ा करते हैं, फिर किक मारते हैं। मैंने लड़की का स्कूटर बताया ना, पिच करके जाता है। हाँ। तो ये मना कर रहा होता है, इसको किक मारता है, फटाक फट 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 फट। तो ये स्कूटर की अपनी लैंग्वेज में गालियां होती है, आज तेरे को कीड़े पड़ेंगे। उसके बाद ये स्टार्ट होता है, तो फिर सारे जैसे जैसे बैठते हैं, जैसे बैठने लगते हैं लाइट, फिर रेड, फिर जब ग्रीन हुई, फिर क्लच डाला, फिर करता। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी बार फैमिली रिस्क नहीं लेती, जैसे पता चला ना ग्रीन लाइट हुई है, बंद होगा, फिर फटाफट स्कूटर लेके ना पैदल ही सड़क पार कर देते, बीवी भी 2 बच्चे लेके ना। अच्छा पाजी, शादी के वक्त दूल्हे को पावर ही तो दिखाते हैं कि चल हम सब तेरे साथ हैं, बैठ घोड़ी पे तू, शहनशाह तू। हो जाए शहीद। आवाज आवाज मेरा शहनशाह। हाँ। और दूल्हा भी शहनशाह बनकर बैठा होता है। हाँ। गाना बज रहा है जी मोजान शहनशाह, 40 लोग नाच रहे हैं। हाँ। अरे शादी के कुछ साल बाद ही देख लो ये शहनशाह जो ना, हाँ, नाभी के ऊपर तौलिया बांध के ना, हाँ, पतीला लेके दूध ले रहा था बाहर। फिर ये शहनशाह की हालत क्या होती है, एक पाव और डाल दे साला भी आया हुआ है। अच्छा हस्बैंड से ज्यादा पावरफुल कॉकरोच है भाजी। बीवियां ऐसे देख के भागती जैसे अपने मुंह में मूछे देख ली हो। बड़ा ये सही भगवान ने चीज बनाई है भाजी। आजकल तो मोबाइल आ गए ना, आपके हाथ में पावर है, आप कुछ भी संदेश किसी को सात समंदर पार भेज सकते हैं। पहले नहीं होता था, पहले कबूतर भेजते थे। हाँ। कबूतर के हाथ में संदेशा, उसको अगर अच्छी कबूतरी मिल गई वो अपना हनीमून वगैरह मना के आता था। और अगर मामला हो कि एक टीले से दूसरे टीले तक भेजना है ना, तो पहले राजा महाराजा तीर भी करते थे। वो तीर में से कपड़ा लटका के ना उस पर संदेश लिख के करके ऐसे मारते थे। हाँ। फिर सामने दूसरे तरफ से तीर के जवाब आता था। हाँ। कि तेरी तीर से हमारी अम्मा मर गई, अब तेरी मैया की बारी। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर हम में उड़ने की पावर होती। हाँ। मतलब जहाज नहीं, खुद आदमी उड़ता। अच्छा। हाँ, जो ऊपर उड़ रहे हैं उनका तो ठीक है, नीचे जो घूम रहे होते उनकी शामत आ जाती। आजकल तो कौवे बीट करके जाते ना। नहीं तो फिर गुटखे आते, पान आते, और नीचे खड़े वाले बोलते हैं पक्का दुबे जी होंगे। तो बीवी बोला खबरदार हमारे हस्बैंड के ऊपर तो तहमत लगाई, तो अपने रिंकू को संभालो, उसको बताओ उसने कल क्या किया, उसको डायपर पहना के उड़ाया करो। फिर लोगों की प्रॉब्लम कैसी होती, हाँ मैं क्या बताऊं, कल पप्पू के पापा तो उड़ते उड़ते पंखे पर बैठ गए, हमको पता ना चला, हमने स्विच दबा दिया, वो तो शुक्र है मिश्रा जी लंगोट के पक्के हैं, बच गए, वरना फिर दूसरी एक अम्मा बताती, अरे ये तो कुछ भी नहीं, हमारा बुढ़ाऊ तो पतंग से कट गया है, कितनी बार कहा है जब पतंग का सीजन ना उड़ाकर यहाँ से मुंह कटवा गया है, एक दिन तो अच्छा कट गया, आगे पीछे पतंग लगा के आए। अच्छा थैंक यू। फिर शादी के कार्ड कैसे आते छपके ना, कि कल शाम बारात 7 बजे सुभाष चौक से उड़के टाल कटोरा में उतरेगी। खबरें कैसी कैसी आती, मौसम विभाग की चेतावनी आती, आज तेज हवा चलने की संभावना है, लुंगी वाले कृपया ना उड़े। काले बादलों के पीछे दो प्रेमी युगल पकड़े गए, 3 मनचलों को देर रात पुलिस ने आसमान से नीचे उतारा, वो शराब पी के लोगों के घर पे उल्टियां कर रहे थे। ऐसे ही है, सोचने को कुछ भी सोच लो। हमारे जितने भी दर्शक यहाँ पे बैठे, मैं आपसे